हेलो दोस्तों, इंडिया गढ़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 19 फरवरी 2021 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में पेटल्स बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया से नवाजा गया है, वो किसने लिखा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सजन ने लिखा है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। रायपुर की 4 साल की बच्ची ने सबसे कम उम्र की लेखिका बनी। जिस उम्र में बच्चे तोतली जुबान में बातचीत करते हैं उस उम्र में रायपुर अवंती बिहार की रहने वाली बच्ची सजन श्रीधर ने सबसे कम उम्र की लेखिका होने का किताब हासिल कर लिया है। जब उसकी उम्र महज 3.5 साल की थी, 3 साल थी, तभी उसने किताब लिखना शुरू कर दिया था। 9 जून 2020 को प्रकाशित किताब पेटल्स को वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया किताब से नवाजी गई है। सजन अभी 4 साल की बच्ची है, उन्होंने अपनी किताब को 3.5 साल की उम्र से ही लिखना शुरू किया, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है आने वाली एग्जाम के लिए, क्योंकि दोस्तों ये सबसे कम उम्र की है। 3.5 साल में बच्ची ने किताब लिखी है, इस किताब का नाम पेटल्स है और इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया से नवाजा गया है और ये रायपुर के अवंती बिहार में रहने वाली है। अब रायपुर की बात आई है तो रायपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रायपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861। मुख्यालय रायपुर, रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो रायपुर खारून नदी के किनारे बसा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नया रायपुर, 1862 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का संभाग बनाया गया। 1967 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन या प्रथम नगर निगम बनाया गया। औद्योगिक क्षेत्र, उरला प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र, सिलतरा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र, साइकिल कॉम्प्लेक्स, एग्रो एक्सपोर्ट जोन स्थित है। भानपुरी में अप्रैल पार्क, रवभाठा में मेटल पार्क, तिलदा राइस कॉम्प्लेक्स, पॉली पार्क। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक राइस मिलें कहाँ हैं? तो तिलदा में स्थित है। अटल नगर नया रायपुर, कुबेर भाटा और राखी गया म्यूजियम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थित है। IIT पार्क, IIT स्थित जंगल सफारी जो मड़वा ग्राम में स्थित है। परसदा में है शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। ये स्टेडियम को नागार्जुन कंस्ट्रक्शन हैदराबाद द्वारा निर्मित किया गया है। प्रमुख संस्थान देखते हैं, NIT, NIT का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, जो रायपुर में स्थित है। पंडित दीनदयाल आयुष स्वास्थ्य एवं चिकित्सक विश्वविद्यालय रायपुर। ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स, जो रायपुर में स्थित है। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर। मेट्स विश्वविद्यालय गुल्लू अरंग में स्थित है। पुरखौती मुक्तगंज, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहजे एवं दर्शाने का प्रयास किया है। चंद्रखुरी कौशल्या माता, भारत का एकमात्र हटकेश्वर मंदिर जो खारून नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अबुज मार पीस हाफ मैराथन 2021 किया जा रहा है, तो 21 जिले में किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नारायणपुर जिले में किया जा रहा है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। अबूझमाड़ में अब राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर खेल कूदों का आयोजन होने लगा है। नारायणपुर जिले में तीसरी बार अबूझमाड़ फीस ऑफ मैराथन 2021 का आयोजन 27 फरवरी 2021 को किया जा रहा है। इस मैराथन में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। अब तक प्रदेश के जिले, दूसरों राज्यों एवं केन्या के धावकों सहित लगभग 7,000 से अधिक प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीयन
कि यह पंजीयन की अंतिम तारीख 25 फरवरी है। लोगों में मैराथन को लेकर अच्छा खासा उत्साह है। मैराथन में हिस्सा लेने के लिए इच्छुक प्रतिभागी वेबसाइट www.abujmarathon2021 में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बाहर से आने वाले धावकों के लिए रुकने की एवं भोजन की निशुल्क व्यवस्था की गई है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, जो अभी नारायणपुर जिला के अबुझमाड़ हैं, वहाँ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, 27 फरवरी को किया जाएगा। इसमें कुछ इनाम है दोस्तों। पहला इनाम 121,000, दूसरा 61,000, तीसरा 31,000, चौथा 21,000, पांचवा 11,000। ये 5 पुरस्कार हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोक सेवा केंद्र CSC ओलंपियाड कितने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 10 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने कहा कि डिजिटल ओलंपियाड विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने का उत्तम माध्यम है। इसमें भाग लेकर विद्यार्थी न केवल अपनी क्षमता और विकास करते हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तैयारी के स्तर का भी आंकलन कर पाते हैं। डॉक्टर टेकाम ने इस आशय के विचार आज नवीन विश्राम गृह रायपुर में आयोजित लोक सेवा केंद्र CSC ओपियाड पुरस्कार वितरण समारोह में व्यक्त किया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विविध विषयों पर आयोजित ओलंपियाड की प्रणाली सूची में शामिल छत्तीसगढ़ के 10 प्रतिभागियों को बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, जो डिजिटल है दोस्तों, CSC जो CSC सेंटर है दोस्तों, उसके लिए छत्तीसगढ़ के 10 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया है दोस्तों, जो 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के लिए नाम उनके चयनित किए गए हैं। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गढ़।